हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट लीड मैनेजमेंट अगर आप एक कोच हैं कंसल्टेंट हैं रियल इस्टेट ऑनर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस में हैं चाहे आप एजुकेशन में हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस में ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपको आपके बिजनेस के लिए लीड्स की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी तरीके का अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो हम विदाउट लीड के हम नहीं कर सकते अभी जो लीड्स होती हैं ये हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से ये लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं हो सकता है आप ऑनलाइन एड्स रन कर रहे हैं हो सकता है आप ऑफलाइन एड रन कर रहे हो हो सकता है आपकी सेल्स टीम मार्केट में जाके लिए आपके लिए काम कर रही हो बट ये जो लीड जनरेशन वाला पार्ट है और लीड मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ओके okay, और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो हम एक इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे एक प्रॉपर प्रोसेस बना के लीड्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं और उनसे कन्वर्जन भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं तो मैं मेरे वीडियो को छोटा करता हूं और मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लीड मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ या लीड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो लीड मैनेजमेंट या जो लीड्स हमारे पास आ रही उनके है उनके सोर्सेस क्या हैं हमारे पास एंड इन सोर्सेज को पे हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हम किस तरीके से इनको मैनेज करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो लीड सोर्सेज हैं आप यहाँ पर देखिए कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग लीड जनरेट करते हैं बी टू बी पोर्टल्स होते हैं देन ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट प्रिंट एंड आउटडोर मीडिया ट्रेड फेयर एक्सपो सेमिनार देन हो सकता है आपके शोरूम या स्टोर पर वॉक इन हो रही है देन ई एंड एस मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले कि जो लीड सोसेज हैं इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फेसबुक का नाम आता है आज की डेट में फेसबुक एक बहुत अच्छा सोर्स है लीड जनरेट करने का प्रोवाइडेड आपकी एड कॉपी और आपके एड्स काफ़ी अच्छे हों फेसबुक पे आप पेड मीडिया पेड एड कैंपेन रन करके काफ़ी अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं सेम विध इंस्टाग्राम दैन लिंगड इन लिंकड इन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा पोर्टल है बट ये बी टू बी पोर्टल पोर्टल यहाँ पर बी टू बी की आपको ऑडियंस मिलेगी देन ट्विटर तो मेनली अगर देखा जाए लिंकडिन और ट्विटर पे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है लेकिन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और इससे काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं लोग इस्पेशली अगर कोई ई कॉम में है और ई कॉमर्स में है और वो अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम से टारगेट करता है लोगों को तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके अलावा बी टू बी पोर्टल से लोग लीड जनरेट करते हैं बी टू बी पोर्टल का मतलब ऐसे पेड सब्सक्रिप्शन वाले पोर्टल जहाँ से इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीड्स आती हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीड्स की अगर हम बात करें तो मैं इस एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्डाइल पर अगर किसी ने अपनी बिजनेस की लिस्टिंग करवा के कर रखी है और पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जस्डाइल्स आपकी बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी आपके पास भेजता है एज एन लीड आपको भेजता है तो आप वो लीड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं देन इंडिया मार्ट है सुलेखा है नाइन्टी नाइन और मैजिक ब्रेक बरेक स्पेशली यू नो रियल इस्टेट के लिए हैं देन दे कार देखो कार वाले ऑटोमोबाइल्स के लिए हैं करियर थ्री सिक्सटी और शिक्षा डॉट कॉम ये एजुकेशन सेक्टर के लिए हैं और ऐसे सारे सेक्टर के लिए अलग अलग लीड सोर्सेस हैं बी पोर्टल है जो पेड सब्सक्रिप्शन के बाद तो आपको लीड प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से अगर आपके पास लीड आ रही है तो आप इनको आप कैसे मैनेज करेंगे इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे देन ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं हम तो बेसिकली आप गूगल एड्स पे ऐड रन करते हैं जो कि काफ़ी एक्यूरेट uh, ऐड होते हैं लेकिन कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है देन अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं आपकी वेबसाइट का या आपके यू uh, नो you know, जो भी आपका बिजनेस है उसके पेजेस का तो यहाँ से आप लीड जनरेट करते हैं आप हो सकता है यूट्यूब एड रन कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप यूट्यूब पे वीडियो ही बना रहे हैं या आप ऐसी बहुत सारी क्यून की साइड है क्वेश्चन एंड आंसर की साइड है जैसे कि क्वेरा एक वेबसाइट है यहाँ से आप अगर कोई लीड जनरेट करते हैं आप कंटेंट मतलब किसी भी क्वेश्चन पर आप रिप्लाई करते हो सकता है कि किसी को आपका क्वेश्चन आंसर पसंद आए और इसके ऊपर आपको कोई रिप्लाई करके आपसे यू नो आपकी सर्विस ले तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करते हैं दैन वेबसाइट में अगर हम बात करें तो हो सकता है आप अलग अलग लैंडिंग पेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए यहाँ से, से आप लीड जनरेट करते हो देन शॉपिफाई और वर्ड प्रेस के साथ से आपके पास लीड्स आती हैं देन वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म है वहाँ से आप लीड जनरेट कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम प्रिंट मीडिया और आउटडोर मीडिया की बात करें तो प्रिंट और आउटडोर मीडिया में पेपर और होर्डिंग अगर आपने मार्केट में लगा के रखे हैं मार्केट में जैसे मान लीजिए आपने फुल पेज एक ऐड दिया पेपर में वहाँ से आपके पास उस ऐड को देख के लीड्स आती हैं या आपने टैम्पलेट पैम्पलेट ब्रॉशर्स अगर आपने देख रखेंगे तो ये प्रिंट मीडिया का ही पार्ट है तो यहाँ से आपके पास लीड्स आती हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो होर्डिंग्स काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं मार्केट में आपने देखा होगा यहाँ से भी काफ़ी अच्छा एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है और फिर उससे रिलेटेड आपके पास लीड्स आती हैं एक और अच्छा लीड का सोर्स है जो कि ट्रेड फेयर एक्सपोर्ट सेमिनार होते हैं यहाँ पे आपको क्वालिटी लीड मिलती है बिकॉज जो ऑडियंस आपके पास आती है वो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस आती है तो इनको काफ़ी क्वालिफाइड लीड भी बोल सकते हैं और इनको कन्वर्ट अगर आप नहीं करेंगे ढंग से या इनकोशन नहीं करेंगे तो ये भी एक लॉस है तो लीड इन लीड्स को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है देन अगर हम बात करें शोरूम्स है स्टोर्स हैं आपकी यहाँ से आप लीड जनरेट करते हो या आप ऐसे में सो री मार्केटिंग के थ्रू आप लीड जनरेट कर रहे हो तो यही सारे सोर्सेस है, हैं आज की डेट अवेलेबल है मार्केट में और अगर ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं ये सारे सोसेस यूज़ करके लीड जनरेट कर रहे हैं मतलब उनके पास लीड का इनफ्लो तो बहुत सारा है बट वो लीड्स को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लीड लीकेज हो रहा है लीड स्पिल हो रही है ओके टाइमली फॉलोअप नहीं हो रहा है रिमाइंडर्स नहीं जा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स पर काम नहीं हो रहा है तो अगर आप इतने सारे लीड सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी पैसे की बर्बादी है राइट तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास अगर बहुत सारे लीड सोर्सेज हैं सिंगल लीड सोर्स है लीड्स का प्रॉपर फॉलो अप अपॉइंटमेंट टाइम पे होना चाहिए आपके रिमाइंडर्स टाइम पर जाना चाहिए आप उस लीड की वैल्यू ट्रैक करें कि वो लीड कितने की है है ना ऐसे करके बहुत सारे ऐसे लीड सोर्सेज को मैनेज करने वाले टूल चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना है वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में तो इसमें हम यह समझें कि हमारे बहुत सारे लीड सोर्सेज हैं लीड मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपके लीड सोर्सेज को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अब मैं आपको एक पीपीटी पे ले चलता हूँ तो इस पीपीटी में आप देखिए कि मैं आपको एक लीड कन्वर्जन फनल आपको दिखा रहा हूँ अब ये लीड कन्वर्जन फनल क्या है ये आप थोड़ा देखिए तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपके ऑडियंस है आज के डेट में जो आपकी ऑडियंस है इसको थोड़ा सा आ, मैं हैं कर देता आ रखते तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑडियंस है ये दो तरीके की ऑडियंस है एक B2B है और एक बीटू सी है ठीक है अब बी टू बी और बी टू सी भी हम थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि जब आप एड रन करते हैं तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके की ऑडियंस को एड दिखा रहे हैं ठीक है तो बी टू बी टू सी मतलब आज की डेट में डी टू सी बोलते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर और एक बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ठीक है जहाँ पे हम सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं वो हमारी डी टू सी सर्विसेज होती हैं और जहाँ पे हम क्लाइंट होते हैं और जहाँ पे हम डायरेक्ट जो हमारा सर्विसेज है हम बिजनेस को दे रहे हैं लाइक मैं एक कंपनी हूँ और मैं एक दूसरी किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ तो ये आपकी बिजनेस टू बिजनेस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका यह है आपका जो लीड जनरेशन वाला पार्ट इस चीज़ में आएगा तो हम किसी भी तरीके की अगर हम कोई ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं तो हमें एक फ़नल बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे हमें इनिशियल अवेयरनेस एड्स रन करने हैं टू जनरेट द लीड अब इससे होगा क्या अगर आपने एक अवेयरनेस एड रन किया है और अवेयरनेस एड ट्रिगर किया है इससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी अवेयरनेस बढ़ेगी मतलब लोगों को लोगों में इसके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट होगा ठीक है अब अगर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं कि अगर बी टू सी इस एट को देखेगा और अगर उसके उसको इंटरेस्ट बनाए सो दे विल लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ठीक है so services, वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में सीखेंगे हो सकता है डेमो की बात करें हो सकता है वो बोले कि मेरे को यू नो प्रॉपर देखना है समझना है और भी दूसरे चीज़ें पे वो यू नो काम करते हैं वहीं पे अगर बी टू बी ऑडियंस की बात करें तो बी टू बी आपके आ, जो 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 बायर होते हैं विल रिव्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखेंगे कंपेयर करेंगे मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट इंटेंशन जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली लोग काम करते हैं दूसरा अगर हम बी टू बी में दूसरे पार्ट को देखें जहाँ पर बायर जो है अगर उसको उसका इंटरेस्ट है उसको सब ठीक लगा देन दे विल टेक इट इनटू कंसल्टेसन अब कंसल्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर बी टू बी है तो ये जो प्रोडक्ट है आपका या आपकी जो सर्विस है उसके ऊपर वो रिसर्च जो भी करेंगे एंड अपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर करते हैं क्योंकि बी टू बी में जो परमिशन होती हैं या बी टू बी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक सिंगल बंदे के पास नहीं रहती है हमें समझना है इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो जब भी किसी तरीके की यू नो इस तरीके का आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कोई बी टू बी क्लाइंट आपके आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस बारे में सोचता है तो उसमें मल्टीपल यू नो स्टेक होल्डर्स का हाथ रहता है ठीक है तीसरा बी टू बी की बात करते हैं Uh, अगर सब कुछ ठीक रहा स्टेक होल्डर ने भी उसको कंसिडर कर लिया है सो दे विल गो फॉर द डेमो प्रोडक्ट डेमो ठीक है अभी प्रोडक्ट डेमो क्यों जरूरी है और कितना अच्छा होना चाहिए हम मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा लेकिन आपको याद हाँ रखना है कि जब आप अपना डेमो दे रहे हैं प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी डेमो होना चाहिए मतलब क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि यू आर द राइट वन जिससे मेरे को सर्विस लेनी है वही अगर हम वही अगर हम इसमें आते हैं अपने आ, डी टू डी वाले क्लाइंट की अगर हम बात करें तो वो कंसिडेशन में लाएंगे रिव्यू uh, जब भी उनका आपका प्रोडक्ट रिव्यू हो जाएगा कंपेयर कर लेंगे देन दे विल टेक इट इनटू कंसिडेशन ओके एंड आफ्टर दैट दे माइट पुट योर प्रोडक्ट इनटू द कार्ट और दे माइट यू नो परचेस योर प्रोडक्ट मतलब रेडी तैयारी कर रहे हैं वो परचेस करने की आफ्टर दिस लीड नेचर प्रोसेस द थर्ड पार्ट वुड बी एवोल्यूशन यहाँ पे आपकी सेल्स होगी तो पहली अवेयरनेस दूसरी लीड नेचर थर्ड इज सेल्स तो एवोल्यूशन का मतलब यहाँ है कि अगर हम बी टू डी टू सी की बात करते हैं रिव्यू हो गया परचेस रिव्यू हो गया रिव्यू के बाद परचेस एंड यू नो क्लाइंट माइंड गो फॉर दी चेकआउट ठीक है चेकआउट मतलब आपका वो रेडी है पेमेंट करने के लिए या पेमेंट पे करने के लिए आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के अगेंस्ट में ठीक है वहीं पर जो बी टू बी होता है वो आपसे बोलेगा कि ठीक है मेरे को सब कुछ सही लगा है आप मेरे को अपना प्रपोजल शेयर करो या आपका जो भी यू नो टर्म्स हैं वो आप शेयर करो कि कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं फिर आपका पेमेंट की मोड और जो भी आपका जो भी आपका यू नो प्रपोजल है वो उसको शेयर करना होगा एंड आफ्टर दैट आपकी वो लीड कन्वर्ट होगी तो ये लीड कन्वर्जन फनल है आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी तरीके की एड कैंपेन कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आपको इस फनल में ना लाना है ठीक है अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं है तो यू कैन कनेक्ट विथ अस ओके okay, आपको नंबर नीचे मिल जाएगा वी हैव अ टीम हु मैनेज यू नो मल्टीपल कैंपेस लाइक दिस ओके एंड वी रियली हेल्प आर क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेस तो अगर आपको लगता है कि आपको लीड कन्वर्जन फाइनल पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको यूज़ करना है और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं नवाब मैं एक और थर्ड स्लाइड पर चलता हूँ लेके तो ये एक लीड स्टेजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रेटिजिक फ्रेमवर्क है हम इसकी बात कर रहे हैं ना आप समझिए कि आप जैसे मैंने आपके पास बताया कि आपके पास लीड आ गई है उसने इंटरेस्ट दिखा दिया है और आपको डेमो पे लेके आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेगमेंट है ठीक तो है यहाँ पर टेलीफोन ई एंड कॉम्पिटिशन कलर करके मैंने ये डाला और यहाँ पर आप देखिए कि सेगमेंट अला हुआ है ठीक तो यह है ये ये है क्या इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम कहना मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बोलता है कि मेरे को प्रपोजल भेजिए या फिर वो बोलता है कि मेरे को आपसे मिलना है या आप उससे मिलने जाते हैं तो ये जो पार्ट है प्रपोजल है मीटिंग है अपॉइंटमेंट है फाइनल मीटिंग जो होती है ये रेड कारपेट वेलकम की तरह होना चाहिए ओके मतलब यहाँ पे आप अगर टेलीफोनिक कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि जो आपकी पोजीशनिंग है वो एक्सपर्ट पोजीशनिंग होना चाहिए कोई भी आप uh, फ्रेशर्स को यहाँ पे नहीं लगा सकते कोई भी ऐसे बंदे को नहीं लगा सकते जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या थोड़ा बहुत ही नॉलेज है इससे होगा क्या कि क्लाइंट उस क्लाइंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपका क्लाइंट आपका जो एम्प्लॉई वो फंस सकता है तो मेक श्योर sure कि जब भी आप इस तरीके की टेलीफोनिक यू नो डेमो या प्रपोजल या अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं भेज रहे हैं बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है इसको आप ध्यान रखिए आ, इसके बाद अगर हम बात करें कि चलो मीटिंग हो गई अब मीटिंग के बाद क्लाइंट ने और मीटिंग में ही बोल दिया कि यार चलो मेरे को आप ऑनलाइन डेमो दे दो सो so, तो जो मीटिंग में आप जो डेमो दे रहे हैं आप ऑनलाइन डेमो दे रहे हैं या आप फेस टू फेस डेमो दे रहे हैं दैट हैज टू बी तो लाइक अ ग्रैंड शो ओके ग्रैंड शो का मतलब ये है कि आपके जो आ, ये जो 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 कन्वर्जन हो रही है जो आप बात कर रहे हैं ये कंसल्टिव सेलिंग होना चाहिए कंसल्टिव सेलिंग का मतलब कि भाई आपको ये करना चाहिए आपको ये नहीं कि नहीं करना चाहिए इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए ये कैसे होगा वो कैसे होगा तो कंसल्टिव सेलिंग जब आप करते हैं क्लाइंट का आपके साथ ट्रस्ट काफ़ी बढ़ जाता है बिकॉज़ क्लाइंट को भी लगता है कि यार इनको अच्छा नॉलेज है और जब इस तरीके की चीज़ें बता रहे तो रियली really कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा ठीक है इसके बाद जब हमारा डेमो हो गया देन वी नीड टू गो विद द फॉलोअप तो फॉलोअप में अलग अलग चीज़ें होती हैं लाइक वैल्यू डिफ्रेंशिएटर देन आपका जनरल फॉलो अप यू नो कभी कभी क्लाइंट को हमें कॉर्नर भी कर सकते हैं लाइक like अगर हम बार बार फॉलो अप कर रहे हैं बार बार हम उनको कर रहे हैं हो सकता है क्लाइंट आपको इग्नोर कर रहा है तो इस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सम टाइम अगर आप कस्टमर को कॉर्नर करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है और रेगुलर फॉलो अप कभी कभी क्लाइंट को चुड़चौड़ाई भी बना देते हैं आप डेली दिन में तीन फ़ोन लगा रहे हैं दिन में चार फ़ोन लगा रहे हैं हो सकता है आप मैसेजिंग कर रहे हैं बार बार आप व्हाट्सअप भेज रहे हैं इससे क्लाइंट परेशान हो जाता है ठीक है तो थोड़ा तो सा उसको कॉर्नर करिए एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन टेक द फॉलो अप ना लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या फॉलो अप हो गए क्लाइंट नेगोशिएशन भी हो गया है नाउ ही माइट आस्क फॉर पी यू और एडवास पेमेंट दिस इज स्टेज हर आप अपना डील को क्लोज करेंगे ठीक है ना अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम ईमेल्स ट्रिगर की बात करते हैं ई के थ्रू हम इंगेजमेंट की बात करते हैं तो हम एक यू नो कस्टमर कमिटमेंट सीरीज ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपका जो कस्टमर का स्टेज है छापया आप अपॉइंटमेंट और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? दूसरा अगर आपका ये स्टेज पार हो गया है और आप डेमो वगैरह वाले पार्ट पे आ गए हैं तो आप प्रोडक्ट की एक वैल्यू सीरीज़ उनको ट्रिगर कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड यू नो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर मतलब यू नो कर सकते हो कि इस ये सर्विस से ऐसा होगा इसके बाद ये होगा इसके साथ आप ऐसा ऐसा कर सकते हो सो यू नो प्रोडक्ट की जो वैल्यू सीरीज़ है आप वो ट्रिगर कर सकते हैं अब यहाँ पर तीसरा है जो वैल्यू डिफ्रेंशर तो जब हम ई मेल ट्रिगर करते हैं आप फॉलोअप ले रहे हैं हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको यू नो झिला रहा है कि मैं बाद में लूँगा अभी नहीं है टाइम नहीं है तो आप कुछ ऐसे इमेज ट्रिगर कर सकते हैं कि गेन फियर एंड एग्रेड वाले अगर आप ये नहीं करोगे तो हो सकता है ये हो जाएगा आपके कॉम्पिटिटर ने बाहर कर लिया है आपके कॉम्पिटिटर आपसे आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट वाले जो आपके आपके कॉम्पिटिटर हैं वो ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर गेनिंग सो मेनी कस्टमर तो आप इस तरीके की ईमेल से ट्रिगर करके भी एक गेयर गेन फियर एंड रिग्रेट वाला भी ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं ओके इस ये वाली अगर आपकी स्टेज क्रॉस हो गई है सो so, आप नेगोशिएट पीओ एडवांस पेमेंट वाली अगर आपके स्टेज पे है यहाँ पे भी आप एक कॉल टू एक्शन सीरीज ट्रिगर कर सकते हैं कॉल टू एक्शन का मतलब होता है यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन में पेमेंट बटन की बात कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा जो स्टेज uh, है दैट इज़ लास्ट स्टेज यहाँ पे क्लाइंट्स ने बोल दिया है कि प्रपोजल सबमिट हो गया है आप एडवांस पेमेंट के लिए डाल सकते हैं ई तो तो आप एक अलग अलग सीरीज़ ट्रिगर कर सकते हैं ठीक है अब मैंने यहाँ पे एक और लिखा है कि कंपटीशन किलर जब हम पहली स्टेज में हैं दैट इज़ नीड टू कांटेक्ट प्रपोजल रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे आप डिजिटल सॉल्यूशन लाइक कंपटीशन किलर में आपको दिखाऊंगा होता क्या है आप एक यू you नो know, एक ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यू नो डिजिटल सोल्यूशन यूज़ करते हैं जैसे कि एस हो गया व्हाट्सएप हो गया ई हो गया रिकॉर्डेड कॉल हो गए और इससे आप, आपके जो कॉम्पिटिशन है उसको यू नो लाइक ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर रहे हैं ऐसी चीज़ें पुश कर रहे हैं जिसको देख के क्लाइंट आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ओके क्य ये इनका जो सिस्टम है ये अच्छा चल रहा है इस तरीके से मैं भी करूँगा तो मेरे पास भी कुछ आएगा ओके तो जो ऑटोमेशन की मैं बात करता हूँ हमेशा हमारे मेरे वीडियो में तो जो कॉम्पिटिशन क्लियर है वो एक ऑटोमेशन का ही पार्ट है जिसको आप यूज़ करके डिजिटल सोल्यूशन यूज़ करके आप ट्रिगर कर सकते हैं और कन्वर्जन से बहुत अच्छा आता है ना एक और है जब हम सेकेंड स्टेज में हैं और जब हम कॉम्पिटिशन क्लियर की बात कर रहे हैं मतलब कॉम्पिटिशन कलर क्या है एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्रिगर करते हैं न अगर हम मीटिंग वाला या जो सेकेंड ऑप्शन है इसकी हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारा सेगमेंट है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप कंपटीशन कलर के थ्रू पी पी टी डेमो प्राइजिंग मीटिंग ये सब चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं देन अगर हम वैल्यू डिफ्रेंशर की बात करें तो इसी कंपटीशन कलर सीरीज़ में आप केस स्टडीज आइसबर्ग और यू नो टेस्टिमोनी भी आप ट्रिगर कर सकते हैं आइसबर्ग एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके ऊपर हम एक मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिनके मन में आइसबर्ग होता है अब आइसबर्ग का मतलब ये नहीं है कि अब वो टाइटेनिक वाला आइसबर्ग सोच रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे यू नो पॉइंट्स होते हैं ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे क्लाइंट डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा नहीं ले पाता ठीक है कि यार मैं ऑफिस ही साफिस क्यों लूँ तो ये आइसबर्ग हर क्लाइंट के मन में होता है अब उस आइसबर्ग को कैसे ब्रेक करेंगे ये एक बहुत बड़ा लाइक मतलब सब्जेक्ट है तो इसको भी हम इसके थ्रू कवर कर सकते हैं देन जो फोर्थ सेगमेंट है दैट इज़ योर यू नो एडवांस पेमेंट पी ओ वाला इसमें आप पी ओ की पी ओ फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कोटेशन वगैरह भी यू नो कंपटीशन कलर से कंपटीशन कलर के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ई मेल्सर कैसे बनेंगे एक्सपर्ट पोजिशनिंग कैसे कर सकते हैं लीड कौन सेड किस 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 यू नो एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए ग्रैंड शो या डेमो कैसे होता है कंसल्ट ऑफ सेलिंग कैसे होती है इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है और समझना है और आपको लगता है कि कोई इन सब चीज़ें आपके लिए करे तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दे विल गाइड यू कि ये सब कैसे होगा सो Uh, अब हम है ना मैं आपको एक एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं या इस तरीके की जब लीड मैनेजमेंट या हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसे कौन से ऑनलाइन टूल हैं जो आपको रियली रियली यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब लीड्स का इन्फ्लो आपके पास ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली लीड्स को मैनेज करना ऑनलाइन ही करना होगा आप एक्सेल शीट या पेपर पे नहीं कर सकते ऑनलाइन भी आप ऑटोमेशन के साथ करिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि कैसे वो कर सकते हैं तो मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है तो ये हमारी वेबसाइट है जिसमें हम ये सारा लीड मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट और यू नो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सारा चीज़ हम इसके अंदर मैनेज करते हैं यहाँ पे आप देखिए कि मैनेज ऑल लीड्स एंड एवरी थिंग वी आर यू नो इन सिंगल टूल आप सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं ठीक है चाहे आपकी टेस्टाइल है आपका इंडिया मार्ट है कुछ भी है आप आप यहाँ पे यू नो मैनेज कर सकते हैं जितनी भी लीड सोसेज आपके पास हैं आप सब यहाँ पे यू नो कनेक्ट करके उनसे लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनको ऑटोमेशन के थ्रू यू नो ट्रिगर कर सकते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितनी कन्वर्ट हुई है क्या हुआ है उस लीड की वैल्यू क्या है ये सारा का सारा आप इसके अंदर देख सकते हैं तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ लेट्स लॉग इन मेरे को मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है सो लेट्स लॉग इन मैं इससे लॉग इन करता हूँ या मैं हमारा जो ऑटो स्पॉन्डर वाला है इससे मैं लॉग इन करता हूँ तो देखिए मैं अभी आ, मैंने अभी लॉगिन कर लिया है मैं इसको वापस अपनी जगह पर ले आता हूँ अब आप यहाँ पे देखिए कि जब हम इस इस सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको फेसबुक से कुछ 181 एट्टी वन लीड्स दिख रही हैं मेरी वेबसाइट से कुछ लीड दिख रही हैं जैसे जहां से मैंने को, कोई लीड नहीं है या आपका ऐसा कोई भी लीड सोर्स है चाहे वो इसके अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप कस्टम लीड सोर्स क्रिएट करके इसके अंदर लीड सोर्स बना सकते हैं तो जैसे हम लीड मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिस्टम में क्या कनेक्ट करना होगा आपके लीड के सोर्सेज अब यहाँ पे गूगल शीट है आपकी टेली कॉलिंग है जो टेली कॉलर है वो भी इसी के अंदर सारा डेटा डाल सकते हैं आप मिस कॉल के थ्रू लीड ले रहे हैं आप आई के थ्रू आप यू you नो know, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं आप वेबसाइट कॉन्टेक्ट फॉर्म से ले रहे हैं गूगल फॉर्म से ले रहे हैं जस्ट डायल इंडिया माई ट्रेड इंडिया किसी भी सोर्स से ले रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आप जाइए लीड्स पर लीड्स पे जाने के बाद आपको जाना सोर्स सेटिंग्स पर तो लीड मैनेजमेंट के बाद आपको यहाँ पर सोर्स सेटिंग मिलता है अब यहाँ पे ये यह पूछ रहा है कि कनेक्ट योर फेसबुक लीड अकाउंट जिस भी आप एड जिस भी यू नो अकाउंट से आप लीड जनरेट uh, कर रहे हैं फेसबुक की वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा है ना तो उसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है फे, ये फेसबुक uh, पे देन यहाँ पे दिया हुआ है यू you नो know, uh, तो मेरा इस अकाउंट में ऑलरेडी कनेक्टेड है ठीक है तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ गए कन्फीगर एड अकाउंट एंड यू नो डिसकनेक्ट अकाउंट अगर आपको उसको डिसकनेक्ट करना है मतलब अगर आपको कोई दूसरा पेज कनेक्ट करना है तो आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इसको कन्फीगर देना तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट वंस अगेन सो मैं इस पर जाता हूँ एंड कन्फीगर अकाउंट सो so, यार uh, यहाँ पे आप देखिए कि ये पूछ रहा है कि आप लॉगिन करिए अपने फेसबुक अकाउंट से तो मेरा लकीली पासवर्ड आ गया है इसके अंदर सेव था अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं होता ओके okay. तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जैसे ही उस पर क्लिक करा तो यहाँ पे जो मेरे पेजेस हैं जो मेरी uh, मेरे मेरे अकाउंट में पेजेस हैं वो आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पर पे आ गए अब मेरा जो पेज है जिस जिसपे मैं ऐड रन कर रहा हूँ दैट इज़ एस एम एस इंडिया हब वाला पेज ठीक है इस वाले पेज पे मैं सारे के सारे फेसबुक ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि ये जो पेज है वो सब्सक्राइब हो चुका है मतलब अब मेरी जो भी एड कैम्पेन है वो ऑटोमेटिकली जब जो भी मेरी ऐड कैंपेन है उससे जो भी डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के अंदर आने लगेगा तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ लीड सोर्स गए यहाँ पे हमने फेसबुक कनेक्ट करा गूगल आपकी वेबसाइट का फॉर्म जस्टडाइल इंडिया मार्ट जो हो जो जो भी आपके पास है ना ऐसे लीड सोर्सेज जहाँ से आप लीड ले रहे हैं वो आपसे सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद जो लीड्स आएँगी वो यहाँ पर आएँगे तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा है ये लोड हो रहा है और यहाँ पर देखिए कि ये जो वेबसाइट कॉन्टेक्ट फॉर्म से लीड आई है ठीक है उसका नंबर क्या है ये उदय उदय करके किसी की लीड आई है सॉरी सुमित माखीजा करके लीड आई है अलग अलग लीड सोर्सेज से ये लीड्स आ रही हैं जब हम इसमें नीचे आएंगे और यहाँ भी हम देखेंगे तो मैं फ़ेसबुक की बात करता हूँ और देखता हूँ कि फ़ेसबुक से कितनी लीड आई है फेसबुक के लैंडिंग पेजेस से मेरे पास कितनी लीड आई है या फेसबुक ऐड अकाउंट से कितनी लीड आई है तो अलग अलग चीज़ें हम इसके अंदर कस्टम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे चाहे फेसबुक है गूगल है सेमिनार है आपका कोई भी आपके साइन अप्स हैं आपके वेबसाइट फॉर्म्स हैं आप किसी को भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं क्यू आर कोड कनेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी तरीके का लीड सोर्स है वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पे आप देखिए मैं एक बार वापस इस पर जाता हूँ लीड सोर्स पर जाता हूँ तो एंड सोर्स सेटिंग्स पर जाता हूँ जैसे मैं सोर्स सेटिंग्स पर जाऊँगा मेरे को मेरे सारे के सारे कनेक्टर्ड दिख रहे हैं जहाँ से मेरे को लीड्स आ रही है और जैसे मैं मैनेज इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे पास लीड्स आई है उसका एक डेटा आ जाएगा ओके अब यहाँ पे आप देखिए कि सेल्स टीम का भी नाम आ रहा है अभी ये जो लीड्स हैं मेरे किसी भी सेल्स टीम के पास असाइन नहीं है क्यों क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखना है कि क्या मैंने अपनी सेल्स टीम बनाई या नहीं बनाई तो मैं टीम मैनेजमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी कितनी टीम है तो यहाँ पर अभी मेरी कोई भी टीम बनी नहीं हुई है मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर मेरे पास कहीं से भी कोई लीड आ रही है और वो मेरे को किसी सेल्स पर्सन को असाइन करना है तो आप वो सेल्स पर्सन का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप ऐड सेल्स एग्जीक्यूटिव तो आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो जो भी लीड आएगी आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैनेज पर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी लीड मेरे वेबसाइट कॉन्टेक्ट फॉर्म से आ रही है वो एक जैसे कि ये वेबसाइट फॉर्म है राइट right? है ना मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं आप देखिए कि यहाँ पे लिख रहा है ऑटोमेट असाइन लीड ऑटोमेट लीड असाइन असाइन लीड अगर मेरे को एक सिंगल लीड असाइन करनी है मेरे को अपना खुद का लीड फॉर्म डिजाइन करना है और मेरे को अगर मैनुअल लीड ऐड करनी है तो वो सब मैं यहीं से कर सकता हूँ अब मैं ऑटोमेट चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट फॉर्म से जितनी भी लीड आ रही है मेरी गूगल से जितनी भी लीड आ रही है फेसबुक से जितनी भी लीड आ रही है वो एक किसी पर्सन के पास जाए मतलब फेसबुक की किसी एक्सपर्ट के पास जाए वेबसाइट की किसी और के पास जाए गूगल एट्स की किसी और एक्सपर्ट के पास जाए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और सिम्पली ऑटोमेटिक लीड असाइन पर क्लिक करूँगा ऑल तो मैंने अभी कोई सेल्स टीम क्रिएट नहीं किए इस वजह से ये लीड मैं असाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत यह डेमो अकाउंट है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपकी जो फेसबुक है लीड का सोर्स है वो हमने चूज कर लिया और यहाँ पर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव तो हम जैसे ही सेल्स एग्जीक्यूटिव को इसके अंदर एड करेंगे वो सारी के सारी लीड ऑटोमेटिकली उसके पास असाइन हो जाएंगी और आपका जो सेल्स वाला है उस पर बात कर सकता है दिस इज़ दी यू नो अनदर पार्ट अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं यहीं पे फेसबुक से जो लीड आ रही है उनके ऊपर एक डिफरेंट मैसेज ट्रिगर होगा एक ऑटोमेशन ट्रिगर होगा वो भी इसी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं वर्क फ्लो बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पे आप अपने यू नो लीड्स के हिसाब से इंटीग्रेशन के हिसाब से लीड सोर्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यू नो वर्क फ्लो बना सकते हैं जैसे कि मेरे को फेसबुक से कोई लीड आती है इमीडिएटली एक मैंने वेलकम मैसेज ट्रिगर कर दिया या मेरे को अगर यू नो व्हाट्सएप ट्रिगर करना है वो कर सकता हूँ आफ्टर सम मतलब आफ्टर टू आवर्स मैं कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ आफ्टर वन डे में उसको कोई वीडियो भेज रहा हूँ आफ्टर आफ्टर टू डेज़ मैं उसको कोई टेस्टिमोनी uh, भेज रहा हूँ uh, और ये मैनुअल नहीं है जब एक बार अभी इस तरीके के फ्लो बना लेंगे ऑटोमेटिकली ये जैसे जैसे लीड आती जाएंगे उसके ऊपर ट्रिगर होते रहेंगे आप प्रोडक्ट के हिसाब से सर्विस के हिसाब से सेल्स पसंद के हिसाब से इस तरीके के ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया आप लीड सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं से टीम क्रिएट कर सकते हैं आप वर्क फ्लो बना सकते हैं जैसे मैं वर्क फ्लो आपको दिखाता हूँ तो जैसे ये फेसबुक है फेसबुक पे अगर मेरे पास लीड आती है तो क्या ट्रिगर होना चाहिए इसका मैं आपको एक वर्क फ्लो दिखाता हूँ तो जैसे मेरे पास फेसबुक से कोई लीड आती है यहाँ पे देखिए वन मिनट लिखा है वन मिनट आफ्टर वन मिनट एक हमारा एक ये मैसेज ट्रिगर होता है इसमें क्या लिखा है कि डी नेम मतलब उसका नाम थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस आर टीम विल गेट बैक टू यू अब ये जो मैसेज जा रहा है ये एस एस के फॉर्म में जा रहा है राइट यहाँ पे भी एस जा रहा है यहाँ पे भी एस एम जा रहा है मैं चाहूँ तो इसको व्हाट्सअप से ट्रिगर कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसको ई से ट्रिगर कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसको है ना अपना रिकॉर्डेड कॉल के थ्रू ट्रिगर कर सकता हूँ और यहाँ पे देखिए कि जो जो ऑटोमेशन बना हुआ है यहाँ पे ये जीरो डे वन डे थ्री डे फाइव डेज सेवन डेज टेन डेज मतलब हमारे इस पोर्टल में कोई भी लीड आ रही है हम उसको दस दिन तक एंगेज करके रख रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ब्रांड की रिकॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मतलब बार बार क्लाइंट के पास दो दो तीन तीन दिन के बाद एक अलर्ट जा रहा है हमारी तरफ से वाया डिफरेंट डिफरेंट चैनल चैनल मतलब एस है वॉइस कॉल है व्हाट्सअप है और ई है अब इससे क्या हो रहा है जब हम इस तरीके की रिमार्केटिंग करते हैं तो क्लाइंट के मन में कहीं ना कहीं आपके के प्रोडक्ट को अगेन जाके देखता है और दैन हो सकता है वो आपको कन्वर्जन पे लाए ठीक है तो इस तरीके से अगर आप ये सिस्टम पूरा यूज़ करेंगे और लीड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे इस इस सिस्टम में बहुत एडवांस लेवल के फ़ीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि आप अगर देखेंगे आपका टास्क मैनेजमेंट करना है अपॉइंटमेंट देखना है आप अपना फनल आपको यहीं से क्रिएट कर सकते हैं कैटलॉग आप यहीं से बना सकते हैं तो आपके फेसबुक के स्टैटिक्स आपके गूगल के स्टैटिक्स स्टेटिक्स यहीं से मिल जाएंगे आपके पास आ, आपको मार्केटिंग करना है आपको यू you नो know, पुराना डेटा को अपलोड करके उसके ऊपर कुछ ऑटोमेशन ट्रिगर करना है सारा का सारा आप यहीं से कर सकते हैं तो एक सिंगल विंडो सोलूशन है आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना है और लीड मैनेज के बैंक के बारे में आपको और समझना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें ओके okay, या ई करें ई मेल भी हम इस पर डिस्प्ले करा देते हैं ठीक है आपको दिख जाएगी अभी ई मेल आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको कुछ नहीं करना है आपको सब चीज़ आउटसोर्स हो जाएंगी आप सिर्फ सेल्स पे ही फोकस करेंगे सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यू नो सब्सक्राइब आर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज यू कैन थैंक यू अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और बात करेंगे थैंक यू